हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द सूद फैमिली। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको जो हमने नया कैमरा लिया है उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो दिखाएंगे, तो सबसे पहले शुरू करते हैं और पहले थोड़ा जर्नी बताते हैं अपना कि और हम इस वीडियो में और क्या क्या चीज़ें आपको दिखाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अनबॉक्सिंग हमारे सबसे नए कैमरे के साथ जो हमने अभी अभी लिया है। इट्स अ व्लॉगिंग कैमरा, तो हम आपको पहले वो दिखाएंगे, उसके बाद जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग कैमरा जो वीडियो गियर था वो हम आपको दिखाएंगे। तो जी ये है हमारा छोटू सा कैमरा। अगेन हम इसको खोल चुके हैं, हम यूज़ कर चुके हैं इसको हमारी लास्ट न्यू ईयर वाली वीडियो में, तो लेकिन हम अब आपको प्रॉपर ये दिखाते हैं। और दिखाओ तो कौन सा है, पहले बता दो तो कौन सा लिया है हमने। लिया है सोनी का ZV-1, वो प्रॉपर व्लॉगिंग कैमरा है। तो मैं आपको पहले बाकी बातें बाद में पहले खोल के दिखाता हूँ। हाँ। उसके बाद फिर इसके फीचर्स मैं आपको बताएंगे। और इट्स वेरी लाइट वेट। तो मैंने सबसे पहले लिया है कैमरा और साथ में मैंने लिया है इसके साथ एक ट्राइपॉड बोल लो, ग्रिप बोल लो। हाँ। तो ये दो चीजें ली हैं, तो हम इसको पहले अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले कैमरा करें। हाँ। चलो तुम शुरू करो। तो जी ये है हमारा कैमरा। सबसे पहले as usual, इसमें मैनुअल्स होती हैं, यूजर मैनुअल्स जो कोई नहीं पढ़ता, बट हाँ नहीं पढ़ता बट कभी कभी पढ़ लेनी चाहिए। तो जी ये है हमारा कैमरा। वाओ, तो ये है हमारा सोनी का ZV-1 कैमरा। इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये जो पूरी स्क्रीन है ये ऐसे आ जाती है आगे, और अगर आपको सेल्फी मोड करना है तो बस आप स्क्रीन को खोल दो और कैमरे को सीधा करो और ऑटोमेटिकली वो सेल्फी मोड पे हो जाता है। चलो ये कैमरा तो बाहर निकाल दिया, अब इसमें देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो एज यूजुअल आपको एक USB चार्जिंग केबल मिलती है, ये एक इन्होंने माइक के साथ अटैचमेंट दिया है, तो इसको डेड कैट कहते हैं, और इसके अंदर आप अपना माइक डाल के यहाँ पे इन्होंने एक स्लॉट दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये माइक का स्लॉट है, तो इसमें आप अपना पर्सनल माइक यहाँ पे फिट कर सकते हो एक्सटर्नल माइक के लिए। और साथ में इसके आती है ये एक बैटरी, तो ये रिचार्जेबल बैटरी है। तो इन द बॉक्स आपको ये तीन चीजें मिल जाती हैं, कैमरा विद द बैटरी और USB चार्जिंग केबल और एक डेड कैट। तो ये चीजें आपको इस कैमरे में मिलती हैं। तो और एक रीजन मेरा कैमरा ग्रिप, क्योंकि हमारे पास ट्राइपॉड ऑलरेडी है, लेकिन इसकी ग्रिप लेने का मैं ये डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि ये जो ग्रिप है ये इस कैमरे के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है, तो अगर आपको जैसे फोटोज लेनी है या वीडियो लेना है आपको इसके बटन टच करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्राइपॉड में ही ये सारे फीचर्स हैं। तो लेट्स सी व्हाट्स इन द बॉक्स। अगेन थोड़ी सी मैनुअल्स जो साइड में रखते हैं फिलहाल, और मेन चीज खोलते हैं। तो इसके अंदर है अपना मेन ट्राइपॉड जो कि काफी वर्सेटाइल है, आप इसको ऐसे ऐसे भी पकड़ सकते हो, या अगर आपको इसको ट्राइपॉड बनाना है तो आप इसके लेग्स इसको ऐसे करके आप ये ट्राइपॉड भी बन जाएगा, ठीक है जी। तो आप नेक्स्ट चीज आते हैं, नेक्स्ट चीज है इसमें एक लिथियम बैटरी, पॉइंट बैटरी भी दी हुई है, वो इसको पावर करने के लिए है, और इन्होंने इसके साथ एक आई थिंक एक कवर है, इन्होंने कवर भी दिया है, तो इन्होंने साथ में ये कवर भी दिया है। तो ये हमने अभी अपनी नई परचेज करी है जस्ट फॉर ब्लॉगिंग। ये हमारा लेटेस्ट गियर होगा और आई थिंक अब ये हमारा कंप्लीट गियर है, इसमें हमें और कुछ नहीं चाहिए, माइक चाहिए बस। माइक चाहिए बट जो हमने लास्ट वीडियो शूट करी थी उसमें ये जो इसके अंदर इनबिल्ट माइक है इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है। अब ये तो बताओ ये आया कितने का, प्राइस क्या है इसका? यार इसकी प्राइस जो रिटेल में है वो $1200 की थी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और $224 का ये ट्राइपॉड था, तो कुल मिला के अपने को पड़ा 1500 का, दोनों चीजें पड़ी हैं अपने को, बट वर्थ है यार। देखो हमारा प्लान था, हमारा मन था कि अगर हम ब्लॉग बनाएंगे तो अच्छा कंटेंट आना चाहिए, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए प्लस वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे। तो अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि अब हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है तो अब आप बाकी की वीडियो हमारे इस कैमरा से देखोगे। राइट, चलो करते हैं। तो आ गए हम अपने सोनी ZV-1 से, हम अब शूट कर रहे हैं, अब आपको बाकी का गियर दिखाते हैं। पहले क्या दिखाएं, शुरू
पहले अब ड्रोन दिखाते हैं तो हमारा ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा ना आगे की व्लॉगिंग के लिए। ये वाला कैमरा और आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा, तो ये कैमरा और ड्रोन ये हमारा अब मूविंग फॉरवर्ड जो हमारा सेटअप होगा हमारी व्लॉगिंग के लिए। तो ड्रोन आपने पहले देखा ही होगा, बट दिखाते हैं हमने कौन सा हम कौन सा यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा ड्रोन, इसके साथ हमने इसका कंपैटिबल बैग भी मंगा लिया था। तो इसमें तीन कंपार्टमेंट्स है, एक मेन ड्रोन के लिए, एक इसकी एक्सेसरीज के लिए, और पीछे जो यहाँ पे जो जिप है यहाँ पे इसकी रिमोट कंट्रोल और बैटरीज आती हैं। तो लेट्स ओपन द ड्रोन फर्स्ट। ध्यान से, बहुत डेलिकेट है ये, मैं तो नहीं हैंडल करती हूँ। तो ये है हमारा ड्रोन, जैसे हमने आपको अपने पहले वाले ब्लॉग्स में बताया था, ये है DJI का मैविक मिनी मॉडल। ये 249 grams का ही है। तो अगेन जैसे आपको पहले बताया था, फ्लाइंग में कोई आपको रिस्ट्रिक्शन या फ्लाइंग स्पेशल कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, विच इज़ अ गुड थिंग। इसको बस इसको इस, ये बहुत पोर्टेबल ड्रोन है। तो ये देख, ये ऐसे हो जाता है फुली अनलॉक, और ये है हमारा ड्रोन। और इससे तो मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है ड्रोन। तो मतलब हमारी वीडियोस आपने देखा ही होगा कि ड्रोन शॉट्स कितने सुंदर लगते हैं, तो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है वीडियोस अगर ड्रोन शॉट्स डाले हों उसमें। तो ये तो चीज़ काफ़ी अच्छी है, वर्थ द मनी। हाँ मतलब ऑब्वियसली यार आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिखता है एक किसी लोकेशन का, जो आप नॉर्मल ब्लॉगिंग से नॉर्मल हैंड हेल्ड कैमरा से कभी अचीव नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेटअप हो गया, हमारा सोनी का कैमरा और हमारा ड्रोन। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम आपको बताते हैं। तो बेसिकली हम आपको अब जो चीज़ें दिखाएंगे वो ये है कि हमने पहले आप जुगाड़ ही कहोगे उसको कि हमने किन किन से, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई कोई एक अपना YouTube का कोई जब कोई एक नया चैनल शुरू करता है तो वो स्ट्रेट अवे इतनी नॉलेज भी नहीं होती है और स्ट्रेट अवे कोई इतने एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीदता भी नहीं है। तो इसीलिए जो चीज़ें हमारे पास थी अवेलेबल थी पहले हमने उनसे वीडियोज़ बनाई और देखा कि वो क्या है, और फिर हमें खुद को ही रियलाइज़ हुआ कि हमें क्या क्या चीज़ों में इम्प्रूव करना है। तो टू स्टार्ट विद हमने अपनी वीडियोस बनानी शुरू करी GoPro Hero 8 से। तो वो हमने लिया था, वो अतुल दिखाना कैमरा, ये भी काफी अच्छा है, काफी वाइड एंगल है इसका। मतलब अभी अगर हम GoPro लगाएं तो आपको पूरा घर दिख जाएगा पीछे से, इसका इतना वाइड एंगल है। बट अगेन दिस इज मोर फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। तो आप अगर आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो कि अब हमको ये काफी यूज आएगा हमारी मोटर व्लॉग्स में। तो अगेन अब मोटर व्लॉग्स आने वाले हैं, अतुल का लाइसेंस आने वाला है बाइक का, तो उसमें ये काफ़ी पोर्टेबल है। ये देखो बस, ये इतना सा कैमरा है, ये इसके नीचे ट्राईपॉड है, इसका हैंडल है, अदरवाइज कैमरा अगर निकालो तो ये देखो, ये इतना सा, लिटरली इतना सा कैमरा है ये, तो काफ़ी अच्छा है। और आई थिंक अगर कोई चैनल शुरू कर रहा है अपना यूट्यूब का, तो स्टार्टिंग के लिए ये कैमरा काफ़ी सही है, क्योंकि इतना छोटा है ना, आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आता है। आप ज़्यादा बल्कि कैमरा लो तो आप पब्लिक में इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाओगे, ये छोटा सा होता है तो वीडियोस भी बन जाती हैं इजीली। सो आई थिंक अच्छा है, इसने हमारा अच्छा साथ दिया है। नहीं नहीं काफ़ी वर्सेटाइल कैमरा है। अगेन ब्राइट लाइट्स में ये सब में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन इंडोर्स में इसकी ऑब्वियसली इट्स नॉट मेंट फॉर इंडोर शूटिंग। हमारा हो गया फर्स्ट कैमरा, फिर हमने बीच में जब हमें लगा कि यार इंडोर में ये इतना काम नहीं आ रहा है, तो हमने एक और चीज करी है। अतुल के पास पुराना एक हमारे पास DSLR पड़ा हुआ था। अतुल कितने साल शादी से पहले लिया था आपने ना? हो गया इसको अराउंड आई थिंक 10 years तो हो गए इस कैमरा को। तो हमने उसको भी सोचा चल यूज करके देखते हैं, तो DSLR ही, तो वो भी सोनी है अतुल। नहीं ये है कैनन 550D। 550D इसकी बॉडी है। अभी फिलहाल इसमें 50mm की पोर्ट्रेट लेंस लगी हुई है, बट जनरली जो हम इंडोर शूटिंग के लिए जो लेंस यूज़ करते हैं वो है टैमरॉन 18-270mm। अगेन वो बहुत वर्सेटाइल लेंस है, बट इट्स नॉट वाइड एंगल लेंस, तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी दूर खड़े होकर शॉट लेना पड़ता है, नहीं तो आप एकदम क्लोजअप में दिखते हो। बट ठीक है, आई मीन फिर आपने एक वीडियो देखी होगी कि फिर हमें लगा यार अब क्या करें, गिम्बल मंगवाते हैं। तो फिर हमने गिम्बल मंगवाया अपना फोन यूज करने के लिए। तो मेरे पास S10 है, तो हमने फिर गिम्बल ऑर्डर करा। गिम्बल दिखाओ। फिर मैंने एक वीडियो गिम्बल से भी बनाई,
तो ये मैंने अभी फोन इस पे अपना लगाया ही हुआ है, तो ये सेटअप था हमारा। तो ये है DJI Osmo 3 का गिम्बल है ये, तो ये भी काफी अच्छा है। मतलब वैसे अगर देखो तो, अगर आप मैं इसको ऑन करती हूँ एक सेकेंड, तो यहाँ से ये बटन इसके ऑन हो जाते हैं। अब इसको आप अपने एंगल पे सेट कर लो फोन को, और यहाँ से आप अपने कैमरे को अगर आपने ऊपर करना है या नीचे करना है तो आप यहाँ से इसके बना हुआ एक जॉयस्टिक टाइप के उससे मूव कर सकते हो। तो ये भी अच्छा था, इससे भी काफ़ी अच्छी वीडियोस आई थी हमारी, हमने रात को भी इनफैक्ट यूज़ करा है इसको। तो फ़ोन से तो ऑब्वियसली इसका फ़ोन का कैमरा अच्छा है, तो इससे अच्छी वीडियोस आई थी। तो ये भी एक हमने गिम्बल ऑर्डर करा था, बट इसको हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मुझे नहीं पता आगे यूज़ होगा ये। मुझे लगता है आप इसको अपने साथ रखो, और जैसे अगर आपके पास बाई चांस कैमरा की बैटरीज ख़त्म हो गई, और या आपके पास GoPro की बैटरीज नहीं है, फ़ोन तो हमेशा होता ही है और चार्ज तो होता ही है, तो अगर आपको एकदम से कोई कोई चीज़ कैप्चर करना है तो फोन इज ऑलवेज देयर, तो उसके लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज यूजफुल। या अदरवाइज मैं अपने इंस्टाग्राम पे फोटोज जो मुझे खुद खींचनी होती हैं जो अतुल थक जाते हैं, तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ अपनी फोटोज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी गाइज जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड्स यूज़ करें अपनी वीडियोस बनाने के लिए। बट एट द एंड हमें लगा कि यार इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर करने से लेने से अच्छा है एक ही बारी झटका सह लेते हैं, एक ही बारी अच्छा कैमरा ले लेते हैं व्लॉगिंग के लिए। और अतुल इसके अंदर एक और भी होता है ना सोनी का, जो थोड़ा एक्सपेंसिव और भी ज़्यादा था, बट दैट कैमरा इज बिट हैवी ऑल्सो ना। तो हमने और भी कैमराज एक्सप्लोर करे सोनी के, नो डाउट वो इससे ZV-1 से काफ़ी एक्सपेंसिव थे, फॉर एग्जांपल α6400, α6600। फर्स्ट थिंग वो इससे ज़्यादा हैवी थे क्योंकि उसमें डिटैचेबल लेंस थी। ZV-1 में अगर आप इसको लिमिटेशन कहना चाहो या इसका आप इसका फीचर भी बोल सकते हो कि इसकी इट कम्स विद अ फिक्स्ड लेंस, तो इसमें जो आपको मिलता है वो मिलता है, आप अपनी इसमें लेंस नहीं चेंज कर सकते। तो वो फीचर आपको α6400 और 6600 में मिलता है, प्लस ऑब्वियसली उसमें और फीचर्स हैं, आई थिंक इमेज स्टेबलाइजेशन है इसमें भी है, बट नॉट एज गुड एज द अदर कैमराज। बट ओवरऑल इट्स मैं हमारे लिए, बिकॉज हम अभी वी आर स्टिल ग्रोइंग, हम भी बहुत बड़े प्रोफेशनल व्लॉगर्स तो नहीं बने हैं, तो हमारे लिए दिस सर्व्स द पर्पस परफेक्टली आई थिंक। इसका ऑटो फोकस मुझे तो बहुत पसंद आया है, अच्छा है। और अगेन थोड़ी अपना बजट भी देखना था, पॉकेट भी देखनी थी, अभी उसमें और तो कुछ नहीं लेना ना हमें, नहीं इसमें तो कुछ अतुल का कुछ नहीं पता होता, हर दो तीन दिन में उठ के आएंगे और बोलेंगे अच्छा ये भी तो चीज ऑर्डर करनी है, ये भी तो चीज ऑर्डर करनी है, तो अब फाइनल बता दो, अब तो कुछ नहीं लेना ना। नहीं आई थिंक अब हम सब कुछ जो ले सकते थे वो ले चुके हैं, अब बस फोकस होगा अच्छे कॉन्टेंट पे, और अब बस फिर बाकी आपके हाथ में है, आप बता दो। तो आप लोगों का सपोर्ट होगा तो आगे वीडियोस और अच्छी अच्छी हम ऐसी लगाते रहेंगे। तो ये तो वही बात हमारे की कैमरा, हमारे ब्लॉगिंग गेयर की, हमारे पास हमने अभी क्या लिया है और हम किससे शूट करते हैं। बट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से सो फार अगर कोई पूछे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो हम अगर थोड़ा सा कुछ शेयर कर सके हमारे टिप्स, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले फोकस करो आपके कंटेंट पे, बिकॉज कंटेंट इज़ द किंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है और आप चाहे 5000 वाले कैमरा से भी शूट करो, डजंट मेक सेंस। तो कंटेंट आप सबसे पहले अच्छा बनाओ और फोकस कोशिश करो कि धीरे धीरे आप अपना, जैसे अंशुल ने आपको बताया कि अगर आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट विद अ स्मॉलर कैमरा, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में एकदम से तो कांट एक्सपेक्ट कि एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप क्राउडेड प्लेस में ब्लॉगिंग करने के लिए। तो GoPro मेरे हिसाब से इज़ द परफेक्ट चॉइस, क्योंकि ये इतना पोर्टेबल है, अगर आप इसको लेके अगर आप ब्लॉग भी करोगे तो इट्स वेरी स्मॉल, आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो ऐसी थोड़ी सी झेम फटती है, और बाद में आपको पता होगा कि आपके चैनल के ग्रोथ के लिए व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टेप अप टू गेट अ बेटर कैमरा, वो आपके ऊपर है। बट मैं यही कहूंगा कि आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द कंटेंट एंड जस्ट बी रियल। वीडियो में हमने आपको दिखाई हमारी जो जर्नी, हमने 6 months पहले यूट्यूब की स्टार्ट करी थी, तो हमने क्या सेटअप यूज करा था और अब फाइनली हम क्या सेटअप यूज कर रहे हैं। अगर आपको हमारे सोनी ZV-1 का इन डेप्थ रिव्यू चाहिए, इसके कोई फीचर्स का वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताना, तो फिर हम कोशिश करेंगे, जितना हमको पता चल चुका है उस बारे में, तो हम इसके फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और कौन से कुछ इन डेप्थ एनालिसिस, कोई फीचर्स
किसी भी कैमरा के इवन DSLR के देखने हैं तो आप हमें बताना एंड वी विल कम अप विद अ वीडियो एंड अगेन कमेंट बिलो और प्लीज हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करें एंड आप हमको फीडबैक जो देते हैं हम लोग सारे फीडबैक्स पढ़ते हैं एज यू ऑल नो हम वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिप्लाई यू बैक हम हर कमेंट पे रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं एंड हम आप जो आप हमको फीडबैक्स भी देते हैं या जो टॉपिक्स आप हम चाहते हैं कि हम कवर करें वो टॉपिक्स भी हम सब दिमाग में रखते हैं और वो धीरे धीरे सब टॉपिक्स पे वीडियोस आएंगे मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द सूद फैमिली बाय बाय